एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयल ऑनलाइन अर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑनलाइन हैंड राइटिंग का वर्क शेयर करने जा रही हूँ एक डिफरेंट तरीके के साथ, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है कि हमें हैंड राइटिंग का काम चाहिए, लेकिन हमने हैंड राइटिंग से नहीं लिखना, हमने हाथ से नहीं लिखना, हमें कोई ऐसा टूल बता दे जो हमारे डॉक्यूमेंट को खुद ब खुद हैंड रिटन में चेंज कर दे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो हैंड राइटिंग के हवाले से है। क्योंकि आज के डिजिटल दौर के अंदर भी हैंड राइटिंग का काम बहुत उर्वज पर चल रहा है, हर कोई हैंड राइटिंग से अर्निंग कर रहा है और काफ़ी सारे लोग हैंड राइटिंग के हवाले से स्कीम का शिकार भी हुए हैं, लोगों को फीसेस दे चुके हैं लेकिन उन्हें रिस्पॉन्स बैक नहीं आता। इस तरह आज की वीडियो में मैं आपके साथ विदाउट इन्वेस्टमेंट हैंड राइटिंग का काम शेयर करूँगी, जिसे आपने अवेयर करके अपना ऑथेंटिक और जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है, किसी पीछे नहीं जाना, आपने अपना काम स्टार्टअप लेना है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इन फ्री थी शॉर्टकट वेज और ऑनलाइन अर्निंग के अकॉर्डिंग वीडियो सपोर्ट करते रहती हूँ, तो मेक श्योर कर लें आपने सब्सक्राइब कर लिया है। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जी मेरे सामने एक फाइल खुली हुई है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मुझे फाइल मिली हुई है कि आपने मुझे इसको हैंड राइटिंग में कन्वर्ट करके देना है, मुझे लिख कर देना है। ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ कोई स्कैनर के बारे में बात नहीं करनी कि आपने लिखना है और उसको स्कैन करना है, स्कैन करके पिक्चर लेकर सेंड करना है। आज की वीडियो में ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, ठीक है। न्यू तरीके से आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसके थ्रू हम ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट को आपने पिक करना है। देखें, ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर दो पैराग्राफ कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। ये मुझे जी डॉक्यूमेंट मिला था, ठीक है। अब मैंने इसको हैंड राइटिंग में चेंज करना है, वो कैसे करना है हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। जैसे आप गूगल पर लिखेंगे 10015io, ये है जी वेबसाइट का नाम जिससे आप कंप्यूटराइज पेपर्स को, कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट को आप हैंड राइटिंग में चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट हैंड राइटिंग में। जिन लोगों को हैंड राइटिंग का काम करना है लेकिन उनसे लिखा नहीं जाता, वो कहते हैं हमें वन क्लिक से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हैंड राइटिंग में चेंज हो जाए, ठीक है। ये जो टूल है बहुत आलसी लोगों के लिए है, जिनसे काम नहीं होता तो ये उनके लिए है। यहाँ पर जो फर्स्ट हेडिंग आएगी आपने इसको ओपन कर लेना है, आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर सर्च टूल है, इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग कन्वर्टर, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा कि यहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है और नीचे आपके सामने आपको टेक्स्ट होगा वो हैंड टन में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटली पेस्ट हो चुका है, ये है कंप्यूटराइज राइटिंग है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो हैंड राइटिंग में चेंज हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे करते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर टाइप, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, नॉन पेपर चाहिए, बगैर लाइनिंग के पेपर चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लाइनें सारी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, वाइट पेपर है, वाइट पेपर 3 है, ब्लू लाइंस पेपर है, इस तरह यहाँ पर आपके सामने शीट के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। आपने हाथ से नहीं लिखना, सिर्फ एक क्लिक से आपने डॉक्यूमेंट को कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट करना है, तो आपके सामने ये खुद ब खुद लिख हो जाएगा हैंड राइटिंग में। अब हमने हैंड राइटिंग ये थोड़ा रफली लिखा हुआ है, हमने इसको एक्यूरेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। यहाँ पर है जी इंक का कलर, डार्क ब्लैक है, लाइट ब्लैक है, ब्लैक एंड रेड है, लाइट रेड है, जो मर्ज़ी आप रख लें, लेकिन जो असाइनमेंट वर्क्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ब्लू ही चलती है, डार्क ब्लू हम राइटिंग यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट का साइज़ है, आपने यही रहने देना है, आपने कोई ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना। यहाँ पर आ जाते हैं फॉन्ट के, जो हमने यहाँ पर रखना है, जो हमारी हैंड राइटिंग में लगे, यहाँ पर जो मुझे सबसे ऑथेंटिक लगा है, अच्छा लगा है, वो मुझे ये वाला फॉन्ट लगा है। ये सेम एग्जैक्ट ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने हैंड राइटिंग से लिखा है, और ये लिखा हुआ भी हैंड राइटिंग से ही है, आप देख सकते हैं। एक सेकेंड में आपका ये वन क्लिक से हो चुका है कंप्यूटराइज टू हैंड राइटिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल शॉर्टकट वे है, आप यहाँ से इसका इस्तेमाल करते हुए, इस टूल का यूज़ करते हुए आप घर बैठकर अर्निंग कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अर्निंग कहाँ हो रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, किसके थ्रू हमने अर्निंग करनी है,
जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, मैं आपको तो शेयर करूँगी, तो आपने स्किप नहीं करना है। ये काम आपने सीख लिया है, ठीक है, सिंपल आपने इसमें आगे सेव कर लेना है। सेव कीजिए, आप देख सकते हैं हमने इसका टेक्स्ट जो कंप्यूटराइज था वो हमने पेस्ट किया और यहाँ पर हमारे पास हैंड राइटिंग में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे हमने करना है, पहले हमने यहाँ पर पेपर सेलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको शीट्स जैसे होती है वैसा आपने सेलेक्ट करना है। इंक सेलेक्ट करनी है, डार्क ब्लू ही रखनी है, फॉन्ट को आपने नहीं छेड़ना, और जो यहाँ पर फॉन्ट है वो आप अपनी मर्जी से रखेंगे कि आपको कौन सा फॉन्ट ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे ज़्यादातर ये अच्छा लगा तो मैंने इसको प्रेफर किया, तो मैंने ये रख लिया, ठीक है। अब बात आती है कि हमने इसको सेव कैसे करना है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट हैंड राइटिंग, इस पर मैंने क्लिक किया, डाउनलोड टू PDF आपने कर देना है। सिंपल आपने उसको भी तो PDF में कन्वर्ट करके भेजना है, जैसे आपने स्कैन करना है, फिर पिक्चर लेनी है, फिर आपने उसको सेंड करना है। तो इतने बड़े जी मेरे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल टू यूज़ मैंने आपको एक टूल बता दिया है। इससे आप काम निकलवाते हुए अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाई, एक क्लिक के साथ मैंने आपको करके दिखा दिया कि कंप्यूटराइज्ड हमने हैंड राइटिंग कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये काम तो हो गया हमारा, अब हमने काम किधर करना है, चलें हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जी मेरे सामने जॉब पड़ी हुई है, हैंड रिटन नोट्स ट्रांसक्रिप्शन। आपने बस हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको इस तरीके का PDF प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपके सामने ये वर्ड की फाइल खुली हुई है। आपको वर्ड की फाइल भी दे दी जा सकती है, आपको PDF की फाइल भी दे दी जा सकती है। अगर आपको PDF की फाइल दी जाएगी, आपने सीधा जाना है गूगल पर, उसको वर्ड में चेंज करके वहाँ से आपने इसका कॉपी कर लेना है मटीरियल, ठीक है। यहाँ पर आना है अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पर आके अपने इसको पेस्ट करके अपना हैंड राइटिंग में कन्वर्ट सिंपल कर लेना है, ठीक है। कोई मैंने आपको ज़्यादा मुश्किल काम नहीं बताया, अगर आप फोकस से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन वेबसाइट पर जहाँ पर ये काम हो रहा है, हैंड राइटिंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ऑलरेडी पे कर रहा है $3 to $10, ठीक है। इसको इंट्री लेवल का चाहिए, मतलब तो बेसिक लेवल जो होता है ना, सबसे छोटा लेवल, इसको उस लेवल का हैंड राइटिंग नोट्स लिखने वाला राइटर चाहिए, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ से एक्सपर्ट लेवल का लिखवा सकते हैं, सेम कोई आपने ऊपर नीचे वर्ड नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ जैसे हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज़ करते हुए और अपने प्लेटफॉर्म के साथ ऑथेंटिक तरीके से काम कर सकते हैं, जो मैंने आपको करना सिखा दिया, ठीक है। इस तरह आप घर बैठकर हैंड राइटिंग नोट्स पर काम करके घंटे के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। इसका आप देख सकते हैं बजट सिर्फ $30 है और इसका एग्जैक्ट प्राइस है, आपको अगर एक वीक के अंदर 3 to 4 जॉब्स का प्रपोजल आ जाता है, आपको फीडबैक आ जाता है, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक टूल का यूज़ करते हुए घर बैठकर अर्निंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिखा दी। मेरा काम है आपको इंट्रोड्यूस करवाना डिफरेंट टूल्स से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से और डिफरेंट स्किल से, कि यहाँ पर ये स्किल सेल हो रही है, यहाँ पर आकर सेल करें, क्योंकि यहाँ पर जो है अपवर्क जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम लोगों को 100% वर्क मिलता है, जो लोग मेहनत करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने आज प्रोफाइल बनाई है कल हमें काम आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, सब्र से काम होता है। और अगर आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, तो आपका जो कामयाबी है वो आपकी भी है, उसका मुकद्दर बन जाती है। तो इस तरह आपने अल्लाह ताला को भी राजी रखते रहना है और अपना काम भी हार्ड वर्क से करना है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मेहनत करे और मैं इससे उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग उसे नवाजूँ, ठीक है। अल्लाह ताला उसकी मेहनत से बढ़ के भी दे देते हैं, लेकिन अगर बंदा मेहनत करे तो, अगर वेने बैठ के आपने बस वीडियोज़ देखते के जाना है और कमेंट पास करने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी आपके साथ बिल्कुल लॉयल होकर आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करती हूँ, कोई मैंने आज तक फेक चीज़ शेयर नहीं की कि मेरी ऑडियंस किसी भी तरीके से हर्ट हो। आगे मैंने आपको तमाम चीज़ें मैंने आपको क्लियर करती हैं कि आपने कैसे करना है। अब बात आती है कि हमने इस पर प्रोफाइल कैसे बनानी है, इस पर हमने प्रोफाइल कैसे बनाना, बात आती है कि हमने जॉब के लिए प्रपोजल कैसे सेंड करना है और इस पर प्रोफाइल कैसे बनानी है। उसका लिंक वीडियो के एंड में अटैच है, एक वीडियो मैंने अटैच की हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सामने आपके सामने मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि आपने प्रपोजल कैसे सेंड करना है और आपने इस पर प्रोफाइल कैसे बनानी है। बिल्कुल ईजी टू यूज़ है वेबसाइट, कोई आपने गिग नहीं बनानी, कोई आपने बिला वजह कि इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल वर्क है, अपवर्क प्लेटफॉर्म है, बहुत ऑथेंटिक है। अगर आप इस पर काम करते हैं तो आप भी अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ हैंड राइटिंग का काम करके, जो मैंने आपको वन क्लिक में करना सिखा दिया कि आपने कैसे करना है। सिर्फ आपने यहाँ पर पेस्ट करना है जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपको PDF में दिया जाएगा तो आपने सिंपल गूगल पर जाना है, सर्च बार पर लिखना है PDF टू वर्ड। जैसे ही आप लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग को आपने ओपन कर लेना है, उसका जो डॉक्यूमेंट होगा अंदर कॉपी करके आपने उसको वर्ड में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, क्योंकि जो पीडीएफ की फाइल होती है वो सेलेक्टेबल नहीं होती, वो बिल्कुल लॉक होती है, उसको हम कहीं से भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। जब वर्ड में कन्वर्ट होगी तो हम उसको इस तरह कॉपी करके अपना काम कर सकते हैं। इस तरह आपने सिंपल आना है, गूगल पर लिखना है पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है, पीडीएफ टू वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग आएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है, कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड है, लेकिन हमने पीडीएफ टू वर्ड करना है, ठीक है। देखें पीडीएफ टू वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये करना है। यहाँ पर आपको पीडीएफ की फाइल को अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद देखें पीडीएफ टू वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। नीचे आपने आना है, यहाँ पर आपने फाइल अपलोड करनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने जैसे क्लिक किया, आपके जो अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो आपके ब्राउज़ फाइल्स आ जाएंगी, अगर आप पीसी पर कर रहे हैं तो आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास पीडीएफ की फ़ाइल पड़ी हुई है, मैंने इसको जैसे ही ओपन किया इसने मुझे वर्ड में कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है, आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर हम उसको डाउनलोड कर लेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। कन्वर्टिंग योर डॉक्यूमेंट, मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह मैं देखें आपके सामने डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मेरा जो डॉक्यूमेंट था पीडीएफ का, वो मेरा वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। आपके सामने मैंने करके दिखाया कि कैसे करना है। इस तरह आपकी जो फाइल है वो सिलेक्टेबल हो जाएगी। यहाँ से आपने सेलेक्ट करके सीधा आपने इस टूल पर आकर पेस्ट करना है, और आपका जो वर्क है वो हैंड रिटन में रेडी हो जाएगा आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। मेरा काम है आपको हर तरीके से गाइड करना कि आपने कैसे करना है, ठीक है। मैंने आपको सारी बातें, सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी वैसे इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बेन यूल प्रूफ हुई हो, तो मेरा हार्ड वर्क अगर किसी तरह भी सूटेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।